तकदीर बदलने के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन 14 का मैच नंबर 28 जो कि राजस्थान रॉयल वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच दिल्ली के ग्राउंड पे 3:30 PM पर खेला जाएगा। आईपीएल 2021 की बिग स्टोरी की बात करते हैं तो दोस्तों, डेविड वार्नर जिन्होंने आईपीएल 2021 में अभी तक उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था और लास्ट मैच में उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं था जिसकी वजह से उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया है। अब उनकी जगह पर केन विलियमसन आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे आईपीएल 2021 में सनराइजर हैदराबाद की तरफ से। और दोस्तों, अब इस वीडियो में बताएंगे आपको दोनों ही टीमों में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, उनकी प्लेइंग 11 के बारे में क्या वीकनेस है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप जीत सकते हो 5,000 रुपीज का कैश प्राइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीमों में क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान रॉयल अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना पसंद करेगी, वहीं दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की बात करें तो दोस्तों लास्ट मैच में डेविड वार्नर का स्ट्राइक रेट भी लो था जिसकी वजह से हो सकता है इस मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए और उनकी जगह पर टॉप ऑर्डर में जेसन रॉय को जगह मिल सकती है या फिर मिडल ऑर्डर में मोहम्मद नबी या फिर जेसन होल्डर में से कोई एक खेलता हुआ नजर आ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो आपके सामने सनराइजर हैदराबाद की प्लेइंग 11 है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान अपने सेम प्लेइंग 11 के साथ जाना पसंद करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं की प्लेयर के बारे में। देखिए, की प्लेयर वो प्लेयर होते हैं जो गेम को बैलेंस करते हैं। अगर आप ड्रीम 11 जैसी कोई भी साइड प्ले करते हो तो ये प्लेयर पर आप फोकस जरूर करना। बात करते हैं राजस्थान रॉयल की तरफ से, संजू सैमसन जिन्होंने 6 मैच में 229 रन बनाए हैं, जॉस बटलर जिन्होंने 6 मैच में 130, डेविड मिलर जिन्होंने 5 मैच में 95, राहुल तिवटिया 6 मैच में 86, क्रिस मॉरिस 6 मैच में 48 रन बनाए हैं और 11 विकेट भी लिए हैं, चेतन सक्रिय जिन्होंने 6 मैच में 7 विकेट लिए हैं। वहीं दूसरी टीम जो कि सनराइजर हैदराबाद है, जॉनी बेरस्टो जिन्होंने 6 मैच में 222 रन बनाए हैं और काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से हैदराबाद को स्टार्ट दिया है। केन विलियमसन जिन्होंने 3 मैच में 108 रन बनाए हैं, डेविड वार्नर जिन्होंने 6 मैच में 199, मनीष पांडे 4 मैच में 162 रन बनाए हैं, विजय शंकर जिन्होंने 6 मैच में 50 रन बनाए हैं और 2 विकेट भी लिए हैं, राशिद खान जिन्होंने 6 मैच में 17 रन बना के 9 विकेट लिए। अब बात करते हैं एक्स फैक्टर प्लेयर के बारे में। एक्स फैक्टर प्लेयर वो प्लेयर होता है जो अकेले की दम पे गेम को कभी भी चेंज कर सकता है। अगर आप ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग प्ले करते हो या फिर किसी अदर साइड में ग्रैंड लीग प्ले करते हो तो ये प्लेयर आपके लिए एक्स फैक्टर प्लेयर साबित हो सकते हैं। राजस्थान की तरफ से क्रिस मॉरिस और हैदराबाद की तरफ से राशिद खान। अब बात करते हैं इनके रिकॉर्ड के बारे में। क्रिस मॉरिस ने 76 मैचेस में 599 रन बनाए हैं, 158 के स्ट्राइक रेट से और 91 विकेट भी लिए हैं। वहीं राशिद खान की बात करें तो 68 मैच में 156 रन बनाए हैं, 151 के स्ट्राइक रेट से और 84 विकेट भी लिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। दोस्तों, इस वीडियो में आप जीत सकते हो 5,000 रुपीज़ का कैश प्राइस। आपको अब मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर सबसे पहले देना है। जो टॉप 5 विनर हुए होंगे उन्हें 1,000 रुपीज़ का कैश प्राइस दिया जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके सामने, आज के मैच में दोनों इनिंग को मिलाकर कितना स्कोर रहने वाला है। जो टॉप 5 विनर होंगे, जिनका कमेंट सबसे पहले आएगा और वो उनका करेक्ट होगा, उन्हें दिया जाएगा 1,000 रुपीज का कैश प्राइस। लेकिन आपका कमेंट एडिट नहीं होना चाहिए, एक कमेंट से ज्यादा कमेंट भी नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। राजस्थान की बात करें तो उनका बॉलिंग लाइनअप और मिडल ऑर्डर बैलेंस है और इनका टॉप ऑर्डर गुड है। वहीं हैदराबाद की बात करें दोस्तों, वीक इनका बॉलिंग लाइनअप है और वीक इनका मिडल ऑर्डर है, लेकिन स्ट्रॉन्ग इनका टॉप ऑर्डर है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों ही टीमों के हेड टू हेड मैचेस के बारे में। दोनों ही टीमों के बीच 13 मैच कंप्लीट हुए हैं जिसमें से हैदराबाद ने 7 और राजस्थान रॉयल ने 6 मैच विन किए हैं। फर्स्ट बैट का एवरेज स्कोर जब दोनों टीमें आमने सामने खेलती है तो हैदराबाद का 159, राजस्थान रॉयल का 147। ये जो 13 मैच कंप्लीट हुए हैं इसमें से फर्स्ट बैट ने 4 मैच विन किए हैं और सेकंड बैट ने 9 मैच विन किए हैं। लास्ट 5 मैचेस की बात करी जाए तो हैदराबाद ने यहाँ पे लीड ले रखी है 3-2 से। अब बात करते हैं दोस्तों पिच रिपोर्ट के बारे में। ये मैच खेला जाएगा दिल्ली के ग्राउंड पे। दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन के लिए पिच काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिल सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर 10 ओवर कंप्लीट होने के बाद स्पिन के लिए पिच अच्छी है और उनको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के रिकॉर्ड के बारे में।
टोटल 75 मैचेस में फर्स्ट बैट ने 34 मैच विन किए हैं, सेकंड बैट ने 41 मैच विन किए हैं। फर्स्ट बैट का एवरेज स्कोर 166। बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, बिलो स्कोर 150 21 टाइम, 150 टू 169 21 टाइम, 170 टू 189 19 टाइम, और दोस्तों अब स्कोर 190 14 टाइम। तो ये तो हो गया स्कोरिंग पैटर्न। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 में अभी तक यहाँ पे 3 मैच कंप्लीट हुए हैं, और जिनमें से रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की बात करें तो 3 में से 3 मैच चेजिंग टीम करने वाली जीती है, और दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है वो 170 प्लस हो रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं हमारी प्रिडिक्शन की, दोनों ही टीमें यहाँ पे इक्वल पोजीशन पर है, तो ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा कि कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। लेकिन परफेक्ट मैच प्रिडिक्शन के लिए आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको परफेक्ट मैच प्रिडिक्शन दी जाएगी। बाकी इस मैच में फर्स्ट बैट का एक्सपेक्टेड स्कोर 160 प्लस रह सकता है।